अभी हम लोग आ गए हैं रंगनाथ जी के मंदिर में, लेकिन अभी हम लोग जा रहे हैं निधि वन से हम लोग वापस यहाँ पर आएंगे। और हमें यहाँ पर बताया गया है कि मोबाइल को संभाल के रखिएगा, नहीं तो बंदर फोन लेकर चले जाते हैं और चश्मा को ले जाते हैं। चश्मे को लेकर चलिए अभी हम लोग जा रहे हैं। तो अब हम आ गए हैं वृंदावन की गलियों में और इतना अच्छा, मतलब यहाँ की जो हवा में ही सच में भी कृष्ण भगवान, और यहाँ का मार्केट आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत है। मतलब एक अंदर से सुकून मिला इन गलियों में घूम के, यहाँ पर सब कुछ देखकर इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो सच में एक बार प्लीज़ आप लोग भी ज़रूर से दर्शन करके आना। हम लोग आ चुके हैं, अभी हम आपको अंदर लेके जा रहे हैं। बोलिए राधे 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 राधे। ये बंदर, ये वो बंदर है जो सबके मोबाइल छीन लेता है। यहाँ हम जूते उतारेंगे हमारे चप्पल। ये अंदर एंटर होते हुए देखो, ये है निधि वन जी, निज का वन। इस जंगल को तीन नाम से जानते हैं। पहला नाम से जानते हैं निधि वन, निज का वन। दूसरा बोलते इसको मधुवन, कि मधुवन में राधिका नाचे और गिरधर की मुरलिया। तीसरा अब हमें पंडित जी पूरा वहाँ का वृंदावन में जो जो कृष्ण भगवान ने किया है, किस कारण से यहाँ पर लोग आते हैं और क्या क्या कृष्ण भगवान की लीलाएं हैं, इतने अच्छे से और इतने विस्तार से समझाइए कि मैं आपको बता ही नहीं सकती। इतना सुनकर इतना मन में इतना अच्छा लग रहा था वहाँ जाकर कि सच में हम लोग किस्मत वाले हैं जो हम वृंदावन की नगरी में गए, वहाँ की धरती पे हम लोग खड़े थे। और सबसे बड़ी बात, पंडित जी ने हमसे एक बात बोली कि अगर आपको महसूस करना है तो आप एक बार मन में सोच के जाओ कि कृष्ण भगवान है ही नहीं इस जगह पर। अगर आप इस जगह पर ये सोच कर अंदर जाओगे तो वो इतना साक्षात आपको दर्शन कराएंगे कि आप खुद से महसूस करोगे कि हाँ यहाँ पर कृष्ण है, और वो चीज़ आपको खुद से महसूस होगी जो कि हमने की। थोड़ा माथे से लगा लीजिए ब्रज रज को, इसी के लिए तो आए हो। ये मंदिर तो आपके यहाँ पे, इस मिट्टी में भगवान के खेले हैं। यहाँ पर लोगों ने अपनी मन्नत के धागे भी बांधे हैं, आप देख सकते हैं सभी दूर अपने लोग आए और अपनी अपनी मन्नतें मांगी है। यहाँ पर नेहा हो गई बहुत ज़्यादा इमोशनल। कहते हैं ना कि भाव नहीं रुक पाते, वही उसके साथ हुआ। तो भगवान उसकी ज़िंदगी के सारे दुख दूर करे और उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर दे, बस यही दुआ है, और उसके सारे दुखों का नाश कर दे। देखिए, कहा जाता है जिन्हें विश्वास नहीं था कि राधा कृष्ण जी यहाँ आते हैं, रासलीला करते हैं, वो यहाँ रुके और वो नहीं रहे। ध्यान से देखिए इन समाधियों, पूरी समाधियाँ बनी हुई हैं। हम यहाँ आए हैं तो देख सकते हैं आप, यहाँ पर शूटिंग हो रही है। आ गए हम बांके बिहारी मंदिर में, अब देख सकते हैं कितनी भीड़ है। बहुत मजा आया, लेकिन वहाँ भीड़ के चक्कर में हम बिछड़ गए थे, ये आगे निकल गए थे।
तो ये तो वहाँ रह ही नहीं पाए, तो आधी वीडियो शूट हुई है क्योंकि इनको बाद में अंदर आने नहीं दिया। साथ रहना है थोड़ी देर, बिछड़ गए तो क्या होगा। हाँ ये बात भी सही है, तो इसके कारण ये अंदर नहीं आ पाए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर वस्तु, यहाँ पे बंदर फोन छीन के ले जाते हैं तो बहुत संभाल के करना पड़ रही है। यहाँ पे नेहा गरवारी हमारी वीडियो शूट, क्योंकि हम लोग मंदिर में साथ नहीं थे तो उन्होंने कहा कि आप बाहर से थोड़ा कुछ शूट कर लीजिए, तब वो बताते जा रही है हम उस तरीके से हमारी वीडियो शूट कर रहे हैं। आप भी अपने हाथ से निकालो भैया, एक पैर पढ़ लो होशियार, पढ़ लो वो पढ़ने के लिए। जो देख सकते हैं आप प्रेम मंदिर की खूबसूरती, वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। कहाँ पे आए? प्रेम मंदिर का नाम सर, कौन सा? प्रेम मंदिर। कितने कमीने हो रहे, प्रेम नाम है मेरा, प्रेम लगाना कहीं भी फाइनली हम आ गए अंदर। प्रेम मंदिर में आपको देखने को मिलेगा जो कि हमारे बंसी बजैया, कृष्ण कन्हैया, माखन चोर, लड्डू गोपाल के नाम से जाने वाले कान्हा जी ने जो जो किया है वो सब कुछ आपको उनकी सारी लीलाएं यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। और उसके आज का दिन बहुत ही अच्छा गुजरा है और बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से दर्शन हुए और दिल को इतना सुकून शांति मिली है कि बता नहीं सकते, बहुत अच्छा लगा। तो अभी बैठे हो रे, कॉफी पियो फटाफट। सरिता लाई है अपने हाथों से बनाकर मैजिकल कॉफी, मैजिकल कॉफी, मैजिकल जो कि जीजू वेलकम भाई। जेठू भाई को दो ना, सरिता ने बनाई कॉफी, पहले पी के बताओ कैसी बनी है। हम सारे ब्लॉग पे शूट कर रहे हैं, कल को अच्छी नहीं बनी ना तो बैंड बच जाएगी। कॉफी पीने के बाद हम सोएंगे। क्या बोला तुमने? गाली। क्या बोलना, क्या बोल दिया? फिर से बोल। क्या बनाई है? कॉफी बनाई है। सच में बहुत अच्छी बनाई है, अदरक वाली कॉफी है। हाँ तो कॉफी मैंने बना दी है, ये लोगों ने बहुत तारीफ कर दी है, तो जल्दी से ये वाले चैनल को खूब सारा प्यार देके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलना, और ज्यादा अच्छा लगे तो कमेंट भी कर देना भूलना मत, और ज्यादा से ज्यादा हमारी नीतू जी को, भोपाल की बहू को खूब सारा प्यार दो। जल्दी से 1 लाख करा दो यार। जेठू भाई आप भी बोलो। शिरम अरे 1 लाख तो होने तो पहले 1 लाख 1 लाख शिरम अरे तो अभी एक तो हो सिर्फ वो सिर्फ भी ठीक है अपना 1 लाख बोलो का ना, लाख से शुरू करो। हाँ 1 लाख से शुरू कर दो, शुरू कर दो ठीक है। बाय बाय, बस आप लोग ये प्रे करो कि ये वाला ब्लॉग आ जाए है ना नेहा। बोल नेहा, नहीं तो ये ब्लॉग आएगा 100K के बाद ब्लॉग बन जाता है, बस वो आना बाकी रह जाता है। इसकी शादी, वो सगाई का भी रखा हुआ है, काशी का बर्थडे भी रखा हुआ है। हाँ और सगाई का जो ब्लॉग डालेगा, शादी का ब्लॉग डालेगा, मेरे बच्चों होने के बाद डालेगा। हाँ आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।